slipping by. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? तो गाइस आज बनाएंगे हम वगैरह ली रोटली जाती जो बंदे हैं ना उनको पता होगा, मतलब उसमें वगार करने का अच्छे से और मस्त बनाने का और खाने का। ओके ओके गाइस, तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि गाइस कौन सी जॉब है जो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट है और उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ खाने के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू ऑल, क्योंकि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए, वो आपके वजह से हुए गाइस। आपने हमारे वीडियो को देखा, ठीक है, शेयर किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। ओके, ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके, अभी टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट 2K सब्सक्राइबर, ठीक है ना। तो भाई हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहने वाले हैं। जैसे आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज का वीडियो है जॉब के रिलेटेड, कि भाई मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 जॉब्स बताने वाला हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छी है भाई। ये मतलब ये जॉब मिल जाएगी ना, इससे अच्छी जॉब आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें जो पे रेट होता है ना वो भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो भाई बहुत अच्छा पैसे बन जाते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो के अंत तक बनी रही है, आज मैं आपको बताता हूँ ये 5 जॉब कौन सी है। ओके गाइस, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा लोकेशन हमने चेंज कर दिया है और हम आ गए हमारे घर में, और ये है किचन, और देखिए पीछे डाइनिंग टेबल आपको दिख रहा होगा। ओके, तो थोड़ा सा लोकेशन चेंज किया है और हम आज आपको बताने वाले हैं 5 जॉब्स के बारे में। ओके, तो गाइस जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो आए हैं, तो भाई ये 5 जो जॉब्स जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें से पांचों में ट्राई करके रखना, क्योंकि डेफिनेटली आपका मतलब एक जॉब तो डेफिनेटली आपको इन 5 में से मिल ही जाएगा। बिना देरी के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ सबसे फर्स्ट नंबर की जॉब, वो है डिलीवरी जॉब्स। ओके, वो बहुत ही अच्छी जॉब्स है गाइस, डिलीवरी जॉब्स जिसमें आता है, जिसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेन 3 अभी जो है वो डिलीवरी पार्टनर्स है, मतलब ऑफिशियल एप्स है। तो उसमें सबसे पहला है उबर इट्स, जो सबको पता है, और दूसरे 2 जो एप्स है वो यहाँ के लोकल है, वो है डोरडैश और मेनूलॉग। ओके गाइस, तो ये 3 डिलीवरी एप्स है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत चलती है। ओके, उबर इट्स तो भाई इंटरनेशनली सब जगह चलता है, लेकिन यहाँ के लोकल एप्स जो है डोरडैश और मेनूलॉग वो भी बहुत ही अच्छे चलते हैं यहाँ पे। तो ये 3 डिलीवरी एप्स है वो डेफिनेटली आप जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते हो, तो स्टार्टिंग से ही मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये जॉब्स करने के लिए आपको ABN नंबर चाहिए। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे आते हो वैसे TFN अप्लाई कर देना, उसके बाद ABN अप्लाई कर देना। ओके, तो विद इन यहाँ पे 15 या 20 डेज में वो सब आपके पास होगा और उसके बाद आप ये डिलीवरी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आपके पास क्या चाहिए, सिर्फ एक आपका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका होगा, क्वींसलैंड में आपका जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, एज अ मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो अभी चलता है। ओके, तो और क्या चाहिए, और आपको एक व्हीकल चाहिए, तो मतलब आपके पास अगर अच्छा बजट है तो गाड़ी ले सकते हो, तो गाड़ी यहाँ पे ले लो, वरना फिर यहाँ पे रेंट पे मिल जाती है कार, और रेंट पे एक्टिवा भी मिल जाता है, और बाइसिकल पे करना है सिटी में तो वो भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसमें पे रेट की बात करें, तो इसमें पे रेट क्या होता है, तो इसमें कैसा होता है कि अगर पर डिलीवरी आपको $6 to $7 मिलते हैं यहाँ पे, एवरेज करते हैं तो, ठीक है। तो भाई यहाँ का पे रेट मतलब एक घंटे में आपने 3 या 4 डिलीवरी की ना, तो 7 के हिसाब से अगर आपने 4 डिलीवरी की ना, तो आपके हो जाएगा 28। ओके ना, तो भाई अच्छा मतलब पे रेट है। अगर आप अपने मर्जी के बॉस हो, आपको जब जाना है जब जाओ, जब कराना है कराओ, ओके ना, तो आपके ऊपर कोई नहीं है आप। लेकिन इसमें जो एक बैर मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि भाई आपको मतलब जो फ्यूल होता है, अगर आप एक्टिवा लेते हो या फिर कार लेते हो, तो उसमें जो फ्यूल होता है ना, वो फ्यूल ये लोग नहीं देते, ठीक है, वो फ्यूल आपको डलवाना पड़ेगा। तो 28 तो आप कमा रहे हो एक घंटे में, लेकिन सामने फ्यूल भी जाएगा ना, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है, देखो मैं पूरा मतलब दूसरी जॉब के बारे में पूरा बोल गया, और उसके बाद मैंने देखा तो भाई
रिकॉर्डिंग पता नहीं अपने आप से बंद हो गया था, किसी का फोन आ रहा था तो भाई ये होता है वाइस। ओके कोई बात नहीं। तो ओके तो हम कहाँ थे कि भाई जो पहली जॉब थी ना उसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो फ्यूल होता है ना वो जाता है। आप एक आवर में $28 कमाते हो लेकिन उसके सामने आपका फ्यूल भी जाता है, तो वही एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन बाकी अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है ना तो भाई ये डिलीवरी जॉब बहुत अच्छी है। ओके अभी बात करते हैं सेकंड जॉब के बारे में, और वो है यहाँ पे बारटेंडिंग जॉब या फिर बरिस्टा कोर्स, मतलब बरिस्टा जॉब्स। ओके तो उसमें क्या होता है, बारटेंडिंग जॉब यानी कि अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है, यहाँ पे आपको ड्रिंक सर्व करना पसंद है, पब में काम करना पसंद है, ये सब पसंद है ना, तो भाई बारटेंडर की जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें ये जॉब करने से पहले आपको एक मतलब सर्टिफिकेट, एक कोर्स करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट चाहिए RSA का, रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल। ठीक है तो उसमें आप क्या है कि आप अल्कोहल सर्व कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसा एक सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन वो बहुत ही इजी है, एक दो दिन में आपका वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऑनलाइन भी कोर्स होते हैं और यहाँ पे जाके आप सिटी में भी होते हैं कोर्स, वो एक दिन में यहाँ पे 5-6 घंटे होते, 5-6 घंटे आपको ट्रेनिंग देते, उसके बाद सीधा सर्टिफिकेट दे देते। ओके और बहुत पैसे भी नहीं होते भाई, $100-$150 में ये मतलब सर्टिफिकेट हो जाता है, कोर्स हो जाता है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा मतलब मौका है, अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो बारटेंडिंग जॉब, अगर आपको नाइट लाइफ नहीं पसंद है, डे में काम करना चाहते हो तो गाइस आपके लिए है बरिस्टा कोर्स। बरिस्टा कोर्स यानी कि कॉफी, ठीक है, तो अगर आपको कॉफी सर्व करना पसंद है, अगर आप कॉफी से एडिक्टेड हो, जो कि जनरली यहाँ पे इंडिया के जो लोग होते हैं, हमारे देसी लोग, वो कॉफी से इतना एडिक्टिव नहीं होते क्योंकि इंडिया में कॉफी कल्चर नहीं है, इंडिया में है चाय कल्चर, यहाँ पे कॉफी कल्चर है, सब लोग गाइस कॉफी से एडिक्टेड है। ओके गाइस तो अगर दिन में आप काम करना चाहते हो, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो कैफेज होते हैं ना वो यहाँ पे 6-6:30 बजे ओपन होते हैं और 2-3 बजे बंद हो जाते हैं, तो ऐसी शिफ्ट चाहिए आपको दिन की शिफ्ट, तो आपके लिए ये बरिस्टा कोर्स बहुत अच्छा है। वो भी भाई बहुत ही ईजी कोर्स है, एक ही दिन का कोर्स होता है, 1-2 दिन का, और ऐसे मतलब पैसे भरो, सर्टिफिकेट आ गए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो पे रेट होता है गाइस, वो पे रेट भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे $25-$27 पर आवर का पे रेट होता है। ओके ये तो मतलब स्टार्टिंग का पोजीशन है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छा पीरियड होता है। ओके गाइस अभी हमारी तीसरी जॉब्स के बारे में बात करते हैं, तो वो है यहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ पे स्टोर्स होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में डीमार्ट है, डीमार्ट होता है, ठीक है, बिग बाजार है, तो ऐसे यहाँ पे कोल्स है, वूलवर्थ है, BW है, RT है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। भाई इसमें क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हो ना तो आपको मतलब सीट भी नहीं मिलेगी, इतने सारे आवर्स नहीं मिलते, ठीक है। पे रेट अच्छा होता है, पे रेट यहाँ पे 27-28 का पे रेट होता है, ठीक है, पे रेट अच्छा होता है, लेकिन ये जॉब आसानी से नहीं मिल जाती, इसके लिए आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, आसानी से आपको जॉब नहीं मिलेगी, और मिलेगी ना तो उसमें आपको घंटे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओके तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी जॉब्स होती है। ओके गाइस तो ये थी हमारी तीसरी जॉब, अभी यहाँ पे चौथी जॉब्स के बारे में बात करते हैं, वो है सिक्योरिटी जॉब्स। ओके आपको नाम से ही पता चलता है कि भाई सिक्योरिटी जॉब्स में क्या होता है, ठीक है, आपको अंदाजा आना चाहिए क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है सिक्योरिटी, यानी कि आपको क्या करना है कि किसी भी स्टोर या किसी भी क्लब या किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी मतलब तरह की सिक्योरिटी के बारे में आपको बाहर खड़ा रहना है, ठीक है। ऐसे ही मतलब जितनी शिफ्ट है ना, अगर सपोज की इसमें बड़े बड़ी मतलब शिफ्टें होती है, तो भाई अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटा आपको खड़ा ही रहना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सब पब में होते हैं, हम जाते हैं ना तो वो सिक्योरिटी वाले ऐसे खड़े ही होते हैं 8 घंटा, और जस्ट आपको ID मांगते हैं, ID स्कैन करते हैं और चलो, ठीक है, तो उनका वही काम है। थोड़ा सा मतलब बोरिंग काम तो है गाइस कि भाई एक खड़ा रहना है सबसे सिक्योरिटी, और कुछ करना नहीं होता है यहाँ पे ज्यादा कुछ। ओके लेकिन इसमें क्या है कि भाई इसमें भी पैसे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, इसीलिए लोग यहाँ पे जो बंदे होते हैं ना तो वो सिक्योरिटी जॉब्स करते हैं, बहुत बंदे यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं। ओके क्योंकि उसमें पैसा बहुत अच्छा बन जाता है। ओके और भाई मैं बता दूँ कि गाइस ये जो सिक्योरिटी का कोर्स है ना, मतलब सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको भी सिक्योरिटी का कोर्स करना पड़ता है और एक सिक्योरिटी का लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़े से मतलब ये थोड़ा सा महंगा कोर्स है और मतलब टाइम भी ले सकता है, क्योंकि अराउंड आपको सब कुछ मतलब सिक्योरिटी का जो फीस होता है, उसके बाद एग्जाम देनी होती है, वो सिक्योरिटी लाइसेंस आता है, उसका फीस होता है, उस सबको मिला के यहाँ $2,000 या $3,000 के बीच में आपको मतलब खर्चा करना पड़ेगा ये सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए।
और भाई इसमें जो मतलब टाइम लगेगा ना वो भी आपको मतलब 3-4 महीने लग जाएंगे। ओके तो गाइस जो भी बंदे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, अगर पहले से आपने मतलब डिसाइड है कि भाई सिक्योरिटी जॉब ही करनी है ना, तो जैसे ही यहाँ पे आते हो ना तो भाई ये सिक्योरिटी का सब मतलब रिसर्च करके अप्लाई करना और स्टार्ट कर देना, क्योंकि क्या 3-4 महीने लग जाते हैं ओके इसका लाइसेंस आने में, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। ओके गाइस तो ये थी बहुत अच्छी जॉब्स, ठीक है, अगर बहुत अच्छा पैसा बहुत अच्छा है सिक्योरिटी जॉब्स में, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दी। तो ये थी हमारी चौथी जॉब्स। और गाइस अभी बात करते हैं हमारी लास्ट फिफ्थ जॉब के बारे में, वो है कंस्ट्रक्शन जॉब। तो गाइस ये जॉब्स है ना वो बहुत अवेलेबल है आज की तारीख में भी, कंस्ट्रक्शन जॉब बहुत है मार्केट में, ठीक है, लेकिन ये मैं देखता हूँ कि भाई कंस्ट्रक्शन जॉब में हमारे देसी बंदे बहुत कम होते हैं, यहाँ के मतलब जो लोकल लोग होते हैं ऑस्ट्रेलियन लोग या फिर मतलब एशियन लोग, मतलब जो भी चाइना से हो गए, हांगकांग हो गए, नेपाल हो गए, ठीक है, या फिर कोरियन हो गए, वो पब्लिक ज्यादा होती है कंस्ट्रक्शन में। इंडियन जो लोग होते हैं ना वो कंस्ट्रक्शन जॉब में बहुत कम होते, ठीक है, वो ज्यादा प्रिफर नहीं करते, ठीक है, लेकिन भाई मैं बता दूं कंस्ट्रक्शन जॉब भी बहुत अच्छी है और इसमें भी जो पेरेट होता है मिनिमम पेरेट वो भी 25, 26, $27 होता है पर आवर के हिसाब से। ओके लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्शन जॉब करनी है तो इसके लिए सबसे पहले इसमें चाहिए आपको एक वाइट कार्ड। ओके वाइट कार्ड करके होता है वो कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए, मतलब वो एक बार कटा लो ना कार्ड तो उस सभी जगह पे चलता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन जॉब में आप अप्लाई करने जाओगे ना तो वाइट कार्ड होना चाहिए आपके पास। तो वो एकदम इजी प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है वाइट कार्ड, यहाँ पे कोर्स भी होता है मतलब सिटी में चल रहे होते हैं। ओके तो भाई कितने मतलब वो भी $100 की समथिंग ही होता है वाइट कार्ड। ओके और उसमें भी नॉर्मल फिर क्वीज होती है और क्वीज तो सर्टिफिकेट आ गया, मतलब वो वाइट कार्ड आ गया, उसके बाद आप जाके अप्लाई कर सकते हो कंस्ट्रक्शन जॉब में। लेकिन गाइस बता दो कंस्ट्रक्शन जॉब बहुत अवेलेबल होती है और इजीली मिल जाती है, लेकिन मैंने कहा ना कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और पर्टिकुलर इंडिया के मतलब जो भी लोग होते हैं वो कंस्ट्रक्शन जॉब इतनी प्रिफर नहीं करते, ठीक है, बाकी भाई ये जॉब्स भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है। तो गाइस 5 जॉब तो मैंने बता दिए, ठीक है, अभी मैं आपको जो भी अभी तक जो भी व्यूअर है वो अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक बोनस जॉब बताता हूँ, और वो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर गर्ल्स होती है ना उनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, तो भाई वो है रेस्टोरेंट जॉब्स। ओके इजी जॉब है, बहुत इजी जॉब होती है। गाइस फिर से साला पूरा मैं वीडियो बोल गया और वीडियो बंद हो गया, कुछ नहीं दूसरी बार हम मैं बताता हूँ, ठीक है, तो उसमें रेस्टोरेंट की जॉब्स गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इजी काम होता है, किचन हैंड होता है और फ्रंट काउंटर मतलब कस्टमर तो सर्व करना होता है और डिलीवरी भी करना होता है, 3 मतलब अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत इजी जॉब्स है और गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब्स है ये। ओके गाइस तो भाई ये 5 जॉब्स मैंने बताई और जो लास्ट में बोनस जॉब, ये सारी जॉब्स है ना वो बहुत ही अच्छी पेरेट वाली है, अगर आप मतलब फुल टाइम हो, अगर अभी तो थोड़ा स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो आप तो भाई फुल टाइम नहीं रहोगे क्योंकि वर्क रिस्ट्रिक्शन वापस आ गया 24 आवर्स वाला, तो फिर आपको मतलब उतना मतलब पैसा नहीं बनेगा। लेकिन जो बंदे फुल टाइम है ना, अगर वो ये जॉब में से कोई भी जॉब कर रहे हैं ना, वो एक वीक के डेफिनेटली $1,200 to $1,500 कमा रहे होंगे, डेफिनेटली मैं बता दूं, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा पेरेट होता है, मैंने आपको बताया इसीलिए। ओके गाइस तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप सबको पता है, चाहो इंस्टाग्राम के मुझे DM करो, मैं डेफिनेटली आप सबके मतलब DM पढ़ता हूँ और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ ऐसे ही न्यूतम आगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।